सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में जिसका नाम द बी स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो आ रहा है केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से। तो केरला ब्लास्टर्स ने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया राहुल केपी के साथ। तो मैंने बहुत वीडियो पहले, एक दो हफ्ते पहले कवर किया था कि राहुल केपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो चुका है केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ 5 साल का, मतलब 2025 तक राहुल केपी केरला ब्लास्टर्स एफसी में ही रहेंगे। राहुल केपी जो कि एक 20-year-old राइट विंग पोजिशन के प्लेयर, वो राइट बैक एंड सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में भी खेल सकते हैं। बट लास्ट सीजन उन्होंने केरला ब्लास्टर्स का 3 मैच खेला है, मतलब 3 मैच में स्टार्टिंग शुरुआत से खेला है। एंड वहां पे एक्चुअली केरला ब्लास्टर्स ने उनको लेफ्ट विंग पोजीशन में खिलाया था, लेफ्ट मिडफील्ड पोजीशन में खिलाया था एंड सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में खिलाया था। तो बिल्कुल ही ऑपोजिट पोजीशन पे खिलाया था राहुल केपी को। एंड वहां पे भी राहुल केपी ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वर्सटाइल एंड बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर है राहुल केपी। एंड देखना होगा कि क्या इस साल राहुल केपी को मौका मिलता है खेलने के लिए, प्रॉपर प्लेइंग टाइम दिया जाता है या नहीं। बट हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनको प्रॉपर प्ले टाइम दिया जाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है राहुल केपी। सो क्या होता है। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर लिया है बेंजामिन लैम्बोट का। तो बेंजामिन लैम्बोट जो कि एक सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है, उनका एज 33, उन्होंने नॉर्मली बेल्जियम में ही खेला है, उनका नेशनलिटी बेल्जियम है एंड उन्होंने बेल्जियम में ही ज़्यादातर टाइम खेला है। उनका लास्ट क्लब था निया सलामिस एंड वहाँ का उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है एंड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में भी खेल सकते, तो काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है बेंजामिन लैम्बोट एंड उनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया था। तो डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बेंजामिन लैम्बोट से कि वो इस सीजन भी वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का होके। अब देखते हैं कि ये सीजन में बेंजामिन लैम्बोट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो एटीके मोहनबागन की तरफ से। तो एटीके मोहनबागन ने ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर दिया है ग्लेन मार्टिन्स का। तो ग्लेन मार्टिन्स जो कि 26-year-old सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन का प्लेयर है, उनका लास्ट क्लब था चर्चिल ब्रदर्स एंड चर्चिल ब्रदर्स का होकर उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ग्लेन मार्टिन्स ने एटीके मोहनबागन के साथ एंड उनको मेनली एज अ सब्स्टिट्यूट ही रखा जाएगा टीम में, उनको फर्स्ट 11 में शायद ही कभी मौका दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी एटीके मोहनबागन के पास सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। तो उनको मेनली एज अ सब्स्टिट्यूट ही रखा गया है। बट हाँ, उनका आई लीग का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो वो काफ़ी बढ़िया था एंड एटीके मोहनबागन जब CFL में खेलेंगे, मतलब कलकत्ता फुटबॉल लीग में जब खेलेंगे तो तब शायद ग्लेन मार्टिन्स को मौका दिया जाए। एंड मुझे लगता है इसी के वजह से एटीके मोहनबागन इतने सारे प्लेयर्स को खरीद रहे ताकि कलकत्ता लीग में जब वो खेले तब कोई दूसरा टीम भेज पाए। डेफिनेटली कलकत्ता लीग में अब रॉय कृष्ण डेविड विलियम्स को तो नहीं खेलने देख सकते, कोई दूसरे ही प्लेयर्स खेलेंगे। तो उसी के वजह से मुझे लगता है ग्लेन मार्टिन्स एंड मनवीर सिंह इनको कलकत्ता लीग के मैचेस में ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इस साल ग्लेन मार्टिन्स का परफॉर्मेंस एटीके मोहनबागन का ओके कैसा रहता है। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा ने ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर दिया है देवेंद्र मुर्गाओकर का। तो देवेंद्र मुर्गाओकर जो कि एक फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है, उनका एज 21, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है देवेंद्र मुर्गाओकर ने एफसी गोवा के साथ एंड 10.2 लाख रुपीज़ दिया एफसी गोवा ने सलगावकर एफसी को एज अ ट्रांसफर फी। एंड मुझे लगता है ये साइनिंग काफ़ी बढ़िया साइनिंग है एफसी गोवा की तरफ से क्योंकि देवेंद्र मुर्गाओकर का जो परफॉर्मेंस है गोवा प्रो लीग में वो बहुत ही बढ़िया था एंड सलगावकर एफसी का ओके उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। सो रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो देवेंद्र मुर्गाओकर का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था रिसेंटली। सो इसी के वजह से मुझे लगता है एफसी गोवा ने देवेंद्र मुर्गाओकर को गोवा प्रो लीग से एफसी गोवा के मेन टीम में बोला है। एंड डेफिनेटली ये साइनिंग तो काफ़ी बढ़िया है ही एफसी गोवा के लिए, बट देखते हैं कि कितना मौका दिया जाता है देवेंद्र मुर्गाओकर को क्योंकि अगर हम लोग गोवा का जो टीम देखें तो गोवा संतोष ट्रॉफी में जो गोवा का टीम था उसमें भी देवेंद्र मुर्गाओकर थे। तो डेफिनेटली साइनिंग तो काफ़ी बढ़िया एफसी गोवा के लिए। अब देखते हैं इस साल देवेंद्र मुर्गाओकर का परफॉर्मेंस एफसी गोवा को कैसा रहता है एंड उनको कितना प्ले टाइम दिया जाता है। तो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल आज यूएफए चैंपियंस लीग। तो यूएफए चैंपियंस लीग का ग्रुप्स डिसाइड हो चुका है, मतलब कल ड्रॉ हुआ था एंड ये है लिस्ट। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो एंड अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम में कल पोस्ट करके बता दिया था कि कौन से ग्रुप में कौन कौन है, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम में भी जाके देख सकते हो एंड यही है ग्रुप्स। बट हाँ, यहाँ पे देखने लायक है कि बार्सिलोना एंड जुवेंटस एक ही ग्रुप में है, मतलब हम लोग को मेसी और रोनाल्डो का फेस ऑफ एक और बार देखने को मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत लोग ये मोमेंट का एक और बार वेट कर रहे थे एंड फाइनली ये मोमेंट एक और बार आ चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो
और मेसी का फेस ऑफ एक और बार, बट इस बार रियल मद्रिद की तरफ से नहीं, इस बार रोनाल्डो जुवेंटस में है, सो डेफिनेटली देखने लायक होगा ये फेस ऑफ एक और बार। आप लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं नीचे कमेंट करके बताइए। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है बार्सिलोना को लेके। सो बार्सिलोना ने ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर लिया है डेस्ट का। डेस्ट जो कि एक 19-year-old राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है, 21 million यूरो दे के बार्सिलोना ने डेस्ट का साइनिंग कंप्लीट किया है एंड 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डेस्ट ने बार्सिलोना के साथ। एंड ये काफ़ी बढ़िया साइनिंग मैं बोलूँगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि डेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एंड उनका रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा था अजाक्स का होके। एंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डेस्ट इस साल बार्सिलोना को होके भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे अगर उनको प्रॉपर प्ले टाइम मिलेगा तो। एंड मुझे लगता है उनको प्रॉपर प्ले टाइम दिया जाएगा क्योंकि कोमेन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्लेयर है, वो नए प्लेयर्स को ट्राई देना पसंद करते हैं। बट देखते कि क्या बार्सिलोना का ओके इस साल डेस्ट प्रॉपरली उनको मौका दिया जाता है या नहीं, ये तो समय टाइम बता ही देगा। बट हाँ, ये साइनिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा था क्योंकि डेस्ट का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब देखने लायक परफॉर्मेंस है डेस्ट का। सो देखते इस साल डेस्ट बार्सिलोना को कैसा परफॉर्म करते। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है हमारा काराबाओ कप को लेके। सो कल था काराबाओ कप का मैच, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, एंड आर्सेनल वो मैच जीत गए पेनल्टीज में 5-4 से। एंड काफी बढ़िया मैच था लिवरपूल के तरफ से, मतलब टीम में काफी सारे चेंजेस थे ये तो बोलूंगा। डिएगो जोटा को फर्स्ट 11 में मौका दिया गया शुरुआत से एंड मोहम्मद सलाह भी खेल रहे थे। लिवरपूल ने काफी ज्यादा अटैक किया बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, एंड आर्सेनल ने भी कम अटैक किया बट वो भी कन्वर्ट सही से नहीं कर पाए एंड मैच पेनल्टीज चले गए। अगर हम लोग बॉल पोजीशन का बात करें तो इक्वल ही है 47-53। सो लिवरपूल डेफिनेटली बॉल पोजीशन में आगे थे बट बस 3% से, तो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं। बट हाँ, काफी बढ़िया मैच था, आर्सेनल ने कूल एंड कंपोज होके पूरा मैच खेला है एंड काफ़ी अच्छा मैच था। एंड फाइनली आर्सेनल जा चुके काराबाओ कप के क्वार्टर फाइनल में। अब देखते क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल के अगेंस्ट पे कौन आते हैं। बट हाँ, यही था कल का रिजल्ट, मैंने 1-0 प्रेडिक्ट किया था बट हाँ लिवरपूल एक गोल भी नहीं कर पाए, मुझे लगा एक तो गोल कर ही देंगे लिवरपूल बट नहीं हो पाए। सो देखते कि आर्सेनल इस सीजन क्या काराबाओ कप जीत पाते या नहीं। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आईपीएल को लेके। सो कल था आईपीएल का मैच, किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस, एंड मुंबई इंडियंस वो मैच जीत गए। एंड अगर हम लोग बात करें मुंबई इंडियंस के बैटिंग के बारे में तो मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग किया एंड रोहित शर्मा ने बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेला, मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया इनिंग्स खेला है। एंड उसके बाद केरन पोलार्ड एंड हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग्स खेला उसी के वजह से मुंबई इंडियंस का जो स्कोर है वो 191 तक पहुंच पाया, मतलब बहुत ही बढ़िया इनिंग्स था उन दोनों के तरफ से एंड में। मतलब हार्दिक पांड्या एंड पोलार्ड ने जैसा खेला एंड में बहुत ही बढ़िया था, देखने लायक इनिंग्स था। एंड अगर हम लोग बॉलिंग का बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब के साइड से बॉलिंग में शेल्डन कॉटरेल ने बहुत ही बढ़िया स्पेल किया, सिर्फ 20 रन उन्होंने खाए 4 ओवर बॉल करके। एंड मोहम्मद शमी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिया रोहित शर्मा का, वरना रोहित शर्मा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर बन चुके ऑलरेडी। जब अब 40 बॉल्स रोहित शर्मा 40 बॉल्स खेल चुके, मतलब एक बहुत ही डेडली प्लेयर है। एंड उस टाइम शर्मा को आउट किया मोहम्मद शमी ने, तो डेफिनेटली एक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट था। एंड अगर हम लोग मुंबई इंडियंस के बॉलिंग का बात करें तो मुंबई इंडियंस के बॉलिंग में ऑलमोस्ट सबने अच्छा बॉलिंग किया, जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग किया बुमराह ने, एंड ट्रेंट बोल्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट सब ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया है। एंड कृणाल पांड्या ने भी एक अच्छा खासा बॉलिंग किया। एंड अगर हम लोग किंग्स इलेवन पंजाब का बैटिंग का बात करें तो निकोलस पुरन को छोड़ के और किसी ने उतना अच्छा बैटिंग नहीं किया है। सो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला था कि अगर किंग्स इलेवन पंजाब के जो अगर ओपनिंग पेयर ठीक से नहीं चलते तो किंग्स इलेवन पंजाब के मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एंड उनके मिडिल ऑर्डर में उतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं। एंड इसी वजह से कल जब केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल आउट हो गए एंड उसके बाद करुण नायर को उतारा गया था बट करुण नायर उतना कुछ इफेक्टिव है नहीं, एंड इसी के वजह से किंग्स इलेवन पंजाब कल ये मैच हार गए क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा वीक है। सो मुंबई इंडियंस ये मैच जीत के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 जा चुके हैं बट उन्होंने एक मैच ज़्यादा खेला है दिल्ली कैपिटल्स एंड KKR से। सो देखते कि क्या मुंबई इंडियंस इस साल टेबल टॉप फिनिश करते हैं, यानी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो आज जो मैच है वो CSK वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद एंड एक काफ़ी बढ़िया मैच होने के हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही टीम्स का अभी भी बहुत कुछ ठीक करना है अपने टीम में। CSK का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं, स्पिन डिपार्टमेंट में CSK कम्प्लीटली फ्लॉप है, पीयूष चावला एंड रविंद्र जादेजा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। एंड सनराइजर्स हैदराबाद की हम लोग बात करें तो लास्ट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने
केन विलियमसन को खिलाया था एंड उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना, बट फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा वीक है क्योंकि केन विलियमसन के बाद उतना कोई प्रॉपर बैट्समैन है नहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास, एंड वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होगा सनराइजर हैदराबाद को। एंड अगर हम लोग सीएसके का बात करें तो सीएसके के बैटिंग ऑर्डर मतलब सही बैटिंग ऑर्डर है, बट फैब डुप्लीसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, रायना का जो पोजीशन है उसमें फैब डुप्लीसिस को ही पूरा संभालना पड़ रहा है। सो डेफिनेटली सीएसके रायना एंड हरभजन सिंह का छोड़ जाना सीएसके को ये बहुत ज़्यादा फैक्टर कर गया, एंड देखते ये मैच कौन जीतता है। मुझे लगता है सीएसके हल्का सा अपर हैंड रखते इस मैच में, बट ये तो मैच जब होगा तब पता चली जाएगा कि कौन ये मैच जीतता है। बट हाँ, मैं सीएसके को बोलूंगा, मैं मुझे लगता है सीएसके मैच जीत रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।